हाय गाइस, सो यू नो मैं शमूएल चीज़ एक्सक्लूसिवली आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द मिलियन डॉलर टिप एंड दैट इज़ रियली एसेंशियल और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए टू प्रोग्रेस योर करियर और योर बिजनेस या फिर कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क के कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको आप जान के और फिर बहुत अच्छे तरीके से टू टेक द रिस्क यू नो. तो keep watching this complete video. I'll give you the million dollar tips in the next coming videos. Hi guys, scene kuch aisa hai ki main is waqt Kamyabi university mein maujood hoon aur main is waqt exclusive video ye aapke liye bana raha hoon because I'm going to give you a million dollar tip and isko agar aapne properly samjha aur apni lives ke andar aur apne careers ke andar isko implement kiya then you will be successful. Of course you will be successful because aap proper mentoring ke through is kisi bhi particular initiative ko lene ke काबिल बन जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग, रिस्क लेना लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अगर आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं यू हैव टू टेक द रिस्क. बट रिमेंबर टू थिंग्स, रिस्क की डेफिनेशन को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं. एक वो जो कि रिस्क अवर्स्ड होते हैं, यानी उस सेगमेंट को हम कहेंगे रिस्क अवर्जन, और दूसरे वो लोग जो कि रिस्क टेकर्स कहलाएंगे. रिस्क अवर्जन वो सेगमेंट है जिसमें आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पाते और हर वक्त आप डरते हैं किसी भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेने से, जबकि रिस्क टेकर्स वो होते हैं जो कश्तियाँ जलाकर आते हैं एंड दे कैन डू वट एवर दे आर थिंकिंग. अच्छा, रिस्क टेकर्स होने के लिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास एक सर्टेन बैकअप भी मौजूद होना चाहिए. अब रिस्क टेकर्स ज़्यादातर आपको वही लोग नज़र आएंगे जो या तो 110% सोच कर आएँ कि मुझे ये काम करना है और वो अपना काम कर जाएँ और उसमें वो पीछे ना हटें, यानी उनको किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं होता. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क टेकर्स वो लोग भी होते हैं जिनके पास एक हैवी बैकअप मौजूद होता है और उनको ये मालूम होता है कि इफ़ इन केस ऑफ लॉसेस वी आर इन दैट पोजिशन कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं. रिस्क अवर्स्ड वो लोग होते हैं जो रिस्क लेने की पोजिशन में नहीं होते. उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है, एक लिमिटेड अमाउंट होता है, और अगर वो कोई भी रिस्क लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें उनको एक नुकसान हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो वो उससे ऊपर उठने की कुव्वत, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि वो ऊपर आकर उस काम को, उस पर्टिकुलर काम को, उस इनिशिएटिव को लेने की पोजीशन में नहीं होते. तो भाई, यू डोंट हैव टू बी इन दैट पोजीशन ऑफ रिस्क अवर्जन एंड यू डोंट हैव टू बी द रिस्क टेकर एज़ वेल. कामयाबी इस चीज़ में है कि आप एक मीडिएटर बनकर काम करें. आपके पास एक बीच की राह मौजूद है जिसमें आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशंस करने का मौका मिलता है, या आप कोई भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव ले सकते हैं बट विद द कैलकुलेशंस, विद द प्रॉपर कैलकुलेशंस, एंड देयर इज़ पॉसिबल बाय हैविंग द बिजनेस प्लान्स. अगर आपके पास बिजनेस प्लान्स हैं, उस आईडिया की प्रॉपर कैलकुलेशन है, आपको ये पता होगा कि मैं जो काम, ये जो इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ उसमें मुझे लॉस हो सकता है, उसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, नफ़ा नुकसान जो भी होगा वो आपके सामने होगा, या आप एक ब्रेक इवन पे खड़े होंगे. तो हमेशा याद रखिए, कामयाब वही लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं, बट कामयाब वो लोग होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं. रिस्क टेकर ज़्यादातर बहुत अच्छे तरीके से कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बगैर कैलकुलेशन के अगर आप रिस्क टेकर बनने जा रहे हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको नुकसान हो जाएगा. तो भाई, ये एक शॉर्ट क्लिप मैंने आपके लिए बनाया स्पेसिफिकली ताकि आपको प्रॉपरली समझा सकूं कि भाई, रिस्क टेकर्स बनने से पहले कैलकुलेशन ज़रूर करें. ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है और इसको अगर इंप्लीमेंट करोगे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, कोई भी इनिशिएटिव लेने जाओगे, लाइफ में कामयाब रहोगे. अदरवाइज नफ़ा और नुकसान तो किसी भी चीज़ में पॉसिबल है. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है. तो तदबीर करें और तदबीर पर भरोसा रखें. तो आज का टिप यही है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई, सब्सक्राइब टू माई चैनल और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलियन डॉलर टिप देने लगा हूँ. ठीक है जी, तो साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं डरा वो उससे पहले मर गया.